الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. दुनिया में जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए हैं, सबका मिशन एक ही रहा है, और वो मिशन है तबलीग का मिशन, दावत इलल्लाह का मिशन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबियाए किराम ने कौमों को बुत परस्ती से तौबा करने की दावत दी और एक अल्लाह की तरफ बुलाया। तो तबलीग का मिशन पुराना मिशन और निहायत मुबारक मिशन है, निहायत मजलूम है और इंतहाई पाकीजा है, सियासत से बहुत दूर है। दार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत मिलने के बाद कि वअंजिर अशीरतकल अकरबीन,
पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को शिर्क के अंजाम कार से आगाह करो, इस पर करीबी रिश्तेदारों को जमा किया और उनके सामने दीन की बात की। इससे पहले से दावत का काम तो जारी था, फिर 13 सालों तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में घरों में बाजारों में हरम में हर जगह दीन की दावत दी और तकलीफें बर्दाश्त फरमाई, मुसीबतें झेली उठाई। यहां तक के आम तबलीग करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंदिर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहिर वर्रुज्ज फहजुर। इसके बाद आपने आम तबलीग का काम शुरू किया, आम दावत का काम शुरू किया। और इस उम्मत को इसी बेस पर बेहतरीन उम्मत करार दिया गया। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ वतनहून अनिल मुनकर वतुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत गर्दानी गई हो अल्लाह की। यहां अजल अंतम कहा है, अंतम नहीं कहा है। इसलिए बेहतरीन कहा कि तुम्हारा काम यह है कि तुम दुनिया में अम्र बिल मारूफ करोगे और बुराइयां से रोकोगे और ईमान बिल्लाह की दावत दो। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि आयत का अव्वलीन मिज़दाक हजरत सहाबे किराम है, उसके बाद इस नहज पर कयामत तक जो काम करने वाले काम करेंगे वो भी खैर उम्मत के अंदर काउंट हो जाएंगे, उनका भी शुमार खैर उम्मत के अंदर होगा। जबकि वो ये तमाम उमूर को उन तरीकों पर अंजाम देंगे जो सहाबे किराम ने दिए हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक। और ये काम इसलिए भी जरूरी है कि अगर नेकियों का वजूद न हो और बुराइयों की रोकथाम न हो तो सोसाइटी के अंदर बुराइयां बढ़ जाएंगी, समाज के अंदर गुनाह बढ़ जाएंगे और समाज को बुरे कामों से रोकना और अच्छे कामों की दावत देना जरूरी है। बास चीजें इंतहाई तौर पर आम है जिसकी दावत जो है हर एक मुसलमान दे सकता है और देना चाहिए। जैसे नमाज है पंच वक्ता, इसकी दावत देना है। तिलावत कुरान आम इबादत है, इसकी दावत देना है। जिना बुरी चीज है तो निकाह की दावत दी जाएगी, जिना से रोका जाएगा।
शराब उम्मुल खबाइस है उससे रोका जाएगा और नेकियों की दावत दी जाएगी, उससे तौबा करवाई जाएगी। जुआ इंतहाई खतरनाक जुर्म है, बड़ा गुना है, झूठ बोलना गुना है, इन तमाम चीजों से परहेज बताया जाएगा। और ये मुसलमानों की जिम्मेदारी में आता है, जो भी अहले हक हैं उनकी जिम्मेदारियों में ये जिम्मेदारी आती है कि अच्छाइयों की दावतें बुराइयों से रोकें। अगर समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं और उलमा देख रहे हैं और खामोश हैं, तो जब आजाद आएगा तो वो भी लपेट में आ जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कानू ला यतना हो ना हम मन कर इंसालू लबी समा कानू यसना हो। क्यों उलमा ने देखा एक जमात को कि वो बुराइयों में लगे हुए हैं, लेकिन उनको बुराइयों से रोका नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, ये बहुत बुरा काम था जो उन्होंने किया कि कौम को देखा कि बुरे काम में मसरूफ है, लेकिन बुरे कामों से उनको रोका नहीं। हर अहले इल्म की जिम्मेदारी है कि जब बुराइयां फैले तो भाई दावत के लोग अम्र बिल मारूफ करते हैं, उलमा का काम नहीं अनिल मुनकर मसाइल की रोशनी में, फिका की रोशनी में करना है। जैसे जिना की बुराइयां समाज में जो फैलेंगी उसकी वईदों को बयान करना है, जिना के आजाब पर क्या अल्लाह की गिरफ्त है ये बयान करना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस काम को बेहतरीन काम करार दिया। तीन बातें बयान फरमाई, फरमाया वमना सनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि वामिल सालिहा वकाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से बेहतर दावत देने वाला कोई नहीं जो अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे। इसलिए मौजिन का मर्तबा बहुत ऊंचा हो गया, क्योंकि वो दावत इल्लाह दे रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा है। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे होने और अल्लाह के रसूल होने की गवाही दे रहा है। हैया अला सला, नमाज की तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुलाना कामयाबी की तरफ बुलाना है। इसलिए आगे चलकर फरमाया हैया अला फला, फिर अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की एक होने की दावत दी। इसलिए आयत के मिज़दाक में मौज़िन भी दाखिल है। कयामत के दिन मौज़िन का मर्तबा निहायत आलीशान होगा। बुखारी शरीफ में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली सफों में क्या नूर है और क्या बरकतें हैं और क्या फजीलत है ये मालूम हो जाए तो लोग टूट पड़ेंगे एक दूसरे पर और पहली सफ में आने की कोशिश करेंगे।
और लोग या लगून नास माफी निदाए, लोगों को ये मालूम हो जाए कि अजान कहने में अल्लाह की इस जबरदस्त इबादत की तरफ बुलाने में क्या खूबी है और क्या कमाल है, तो हर आदमी कोशिश करेगा कि मैं मौजिन बन जाऊं। हमारे यहां मौजिन को बेचारे को कम दर्जे का माना जाता है, हालांकि इंद अल्लाह इसका दर्जा निहायत आलीशान है। इसलिए हमारी जबान में मौजिन को बांगी कहते हैं, बांगी के माने ऐलान करने वाला, लेकिन मौजिन का लफ्ज इस्तेमाल करो, ये कुराने करीम में मुस्तामल है और ये अहादीस में मुस्तामल है, अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करो ताकि इसके मर्तबे की बुजुर्गी का लोगों को पता चल जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस शख्स से बेहतर तो कोई है ही नहीं जो अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहा है। दावत तबलीग वाले भी क्या करते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं, पहला नंबर ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी की तो दावत देते हैं। और ये बेहतरीन दावत है जिसको रोका नहीं जा सकता, और ये दावत जो जमात दे रही हो निहायत मुबारक और बेहतरीन जमात है जो अल्लाह की तरफ बुला रही है, रसूल की तरफ बुला रही है, दीन इस्लाम की तरफ बुला रही है, इख्लास की दावत दे रही। दूसरा नंबर क्या है, नमाज का नंबर है। कलमा जो है उसका अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो नमाज है, और नमाज की थियरी देखी जाए तो कलमा है। बताओ ये दो दावतों में क्या खराबी है, ये तो मुअज्जिन भी इसकी दावत देता है और आलिम भी दावत देता है, और तबलीग का खाली लेबल लगा, वरना हर मोमिन को ये दावत देना है, और जो इसमें दावत देगा वो जमाते तबलीग का आदमी, ये कोई अलग जमात नहीं है, ये तो हर मुसलमान का फरीजा है और हर मुसलमान को ये काम करना है। ये बात अलग है कि एक गिरोह बना जिन्होंने अपना मिशन हमने छोड़ दिया और उन्होंने ले लिया, और रात दिन वो काम करते हैं और तड़प के साथ इसके अंदर लगे हुए हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा और बड़ा उमदा काम करते हैं। इसलिए इन पर पाबंदी लगाना गोया के दावत के काम पर पाबंदी लगाना है, इसलिए इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अब उलमाए किराम बैठेंगे, जय्यद उलमा और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा, इनको मिलकर एक वफ्द बनाना चाहिए, और ये वक्त को सऊदी जो हुकूमत है उससे गुफ्तगू करना चाहिए, और उम्मीद है कि ये अच्छी गुफ्तगू का अच्छा नतीजा इंशाल्लाह निकलेगा, और जो गलत फहमी हो गई है वो गलत फहमी भी इंशाल्लाह दूर होगी। उनको जो समझाने वालों ने समझाया है वो सही बात नहीं समझाई, जब उनके सामने आएगा कि हम कब्र परस्त भी नहीं है, हम तो नमाज वाले हैं, हम तो इबादत वाले हैं, हम तो एक अल्लाह के दीन की दावत वाले हैं, हम तो तुम्हारी तरह कलमा पढ़ते हैं, तुम्हारी तरह रसूल को मानते हैं, तुम्हारी तरह कब्र परस्ती से दूर हैं, तो इंशाल्लाह ये बात सऊदी हुकूमत के जिम्मेदारों के समझ में आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है कि समझ में ना आए। खाली धरने देने से दर्शन प्रदर्शन करने से काम नहीं चलता, बल्कि इस काम को अमली बनाया जाए और मजबूत तक किया जाए, और दिमाग से ये बात निकाल दी जाए कि भाई इनके ऐसा कहने से नुकसान होगा, इंशाल्लाह ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, ये काम तो कयामत तक चलना अल्लाह की तरफ से तय है, तो वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। इब्ने माजा शरीफ में भी रिवायत है,
और दूसरी हदीस की किताबों में भी रिवायत मौजूद है। रिवायत यह है कि ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती कव्वामतुन अला अम्रिल्लाह, कयामत तक एक जमात हक वाली अल्लाह की तरफ बुलाने वाली, बुराइयों से रोकने वाली दुनिया में कायम रहेगी। यह अहले सुन्नत वल जमात की जमात है। और सऊदी वाला का दावा है कि हम अहले सुन्नत हैं, हमारा भी दावा है कि हम भी अहले सुन्नत वल जमात हैं और हमारे हर काम जो है सुन्नत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। सुन्नत की दावत देने वाले, ये जो मसलक के देवबंद कहते हैं, देवबंद क्या है? सुन्नतों की इत्तेबा का नाम है। लोग डरते हैं कि भाई देवबंदी करेंगे तो लोग हमको जो है एक अलग फिरका समझेंगे। देवबंदियत अलग फिरका नहीं है, देवबंदियत नाम है इत्तेबा सुन्नत का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ग्रैब करने वाली जो जमात है उसको कहते हैं अहले सुन्नत। वल जमात से मुराद सहाबाए किराम जो काम करते चले आए हैं, वो तमाम कामों को हमें अंजाम देना है और उनको लाजिम पकड़ना है। कयामत तक ऐसी एक जमात, लाख लोग सर फटोल करेंगे कि उनको मिटाएं, लेकिन तान और तशनी से कोई फायदा नहीं होगा और वो जमात काम करती ही रहेगी। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई। और फितने अरब में आएंगे इसकी भी पेशीन गोई फरमाई। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब, अरब के लिए बड़ी तबाही है उस फितने से जो बिल्कुल करीब आ चुका है। फितने अब आ रहे, नाच गाना अरब में आम हो रहा है, यहूदी रास्तों के ऊपर और हरम में नाच रहे हैं, सिनेमा हाउस खुल रहे हैं, फिल्म गीतें तमाम चीजें टेलीविजन पर जारी है, हिंदुस्तान के नचनिये और गवैयों को वहां बुलाया गया और नचवाया गया। बिचारे तबलीग वाले दीन का अच्छा काम करते हैं उनको रोका, और ये खुल्लम खुल्ला बुराइयां जिसकी वईदें हदीस के अंदर बड़े जोर से आई हैं वो काम वहां हो रहे हैं जहां नहीं होने चाहिए। जहां से दीन फैला है और पूरे आलम को मिला है वहां से ये क्या चीजें नशर इशात पा रही हैं, ये फिक्र करने वाली बात है। वहां के जो रुआसा और उमरा हैं और वहां के जो जिम्मेदार हैं वो इस पर गौर करें और इसके लिए भी वक्त जाए और उनको समझाए कि इस मुकद्दस और मुबारक सरजमीन पर आप लोग क्या कर रहे हैं। हम इसकी बुराइयों की वजह से लोगों को यहां रोक रहे हैं, यहां लोग रुक रहे हैं और आप वहां उसको हवा दे रहे हैं। इससे तो बुराइयां आलमी पैमाने पर फैलेगी, लोग समझेंगे कि ये सब जायज है इसलिए कर रहे हैं। अरे भाई, किसी के नाजायज काम करने से वो काम जायज नहीं हो जाता है। अब एक और बात समझो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम हरेक का है। एक हदीस शरीफ है, बड़ी मशहूर है और इस पर किसी मुहद्दिस को कलाम भी नहीं। हदीस पाक में फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को होता हुआ देखे और उसको हाथ से रोकने पर कादिर हो, अपनी ताकत से रोकने पर कादिर हो तो हाथ से रोकना चाहिए। सऊदी वाले उमरा हैं और बादशाहान है, अब उन्होंने उसके लिए लफ्ज फैसल जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया है, हाकिम के बजाय फैसल कहते हैं।
अल्लाह ताला ने हमको फैसला कुन ताकत दी है। अभी ये कहते हैं कि जो तबलीग इस तरह से करेगा पकड़ा जाएगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। गर्दन तो ये यहां से जो नाचने गया था उसकी काटनी चाहिए। जो वहां कुल्लम कुल्ला शिव किया अल्फाज बोलकर नाचा और औरतों की गर्दनें काटो जिन्होंने दूसरों को नचाया, हजारों लोग नाचे उस मुकद्दस सरजमीन के ऊपर, वो यहूदी जिनको हुजूर ने निकालने के लिए कहा था कि अख्रिजुल यहूद मिन जजीरतिल अरब, उनको इस्तकबाल किया जा रहा है, वहां उनको बुलाया जा रहा है और जो बेचारे सीधे साधे दीन का काम करने वाले हैं उन पर पाबंदी लगा रहे हैं। यह काम खाली सऊदी अरब में नहीं होता। और अभी यह कोई नया ऐलान नहीं आया, पहले से उन्होंने पाबंदी लगाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, काम जब भी हो रहा था, और अब इसको जो है कानूनी हैसियत दी है तो भी काम हो रहा है और वो होता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हर मोमिन मुबल्लिग है। वो तो जो भी दूसरा मुसलमान मिलेगा उसको दीन की बात करने ही वाला है। अगर अल्लाह ताला ने कलमे की तड़प और कसक उसके दिल में डाली है, वो जहां दूसरा भाई मिलेगा उसके सामने दीन की बात जरूर करेगा और अपना अमल ऐसा पेश करेगा कि इसके अमल की वजह से अल्लाह ताला आसानियां फरमा देंगे। देखो एक वाकया सुनाओ आप किस तरह से काम कुदरती तौर पर अल्लाह ताला दीन का ले लेते हैं और हो जाता है। एक छोटा सा मुसलमानों का गांव था, उस गांव के पड़ोस में गैर मुस्लिम का जो छोटा सा गांव था, वहां का जो पटेल था चौधरी जो था वो मुसलमानों का सख्त मुखालिफ था, सख्त दुश्मन था। तो एक मर्तबा सुबह की नमाज के बाद नौजवान टहलने के लिए निकले थे अमीर साहब के साथ। अमीर किसको कहते हैं? जो दीन की अच्छी बातों पर जवानों को और अल्लाह के बंदों को लाता है, जमात को चलाता है। हर जमात को चलाने के लिए कोई ना कोई अमीर तो चाहिए, जैसे डिब्बों को चलाने के लिए इंजन चाहिए। अगर कोई नहीं चलाएगा सब चलाएंगे तो एक गाड़ी जो है उसके अंदर चार ड्राइवर बैठ जाएंगे तो गाड़ी कैसे चले। इसलिए एक आदमी अमीर तय हुआ। ये तो शरई फैसले के एतबार से, शरई कानून के एतबार से है कि भाई तीन चार आदमी चल रहे हो तो एक अमीर बने। वो जो गैर मुस्लिम जा रहा था कार के अंदर, उसका बूट खुल गया और उसके अंदर से बैग जो है गिरी, वो तो निकल गया, उसको तो पता भी नहीं था, वो चला गया। अब पीछे लोगों ने देखा कि कोई बैग गिरी है तो नौजवानों ने उठा ली बैग, बैग जो खोली तो देखा पैसों से भरी हुई है। अब मोमिन को एक सबक अमानतदारी का भी पढ़ाया गया है, ला ईमान लिमन ला अमानत ला, उस शख्स का ईमान ही कामिल नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं। तो मोमिन अमानतदार होता है। ये दीन भी अमानत है और हमको दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है और हमें ये पहुंचाना है और हम पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं पहुंचा रहे हमको भी फौरन इस काम में लग जाना चाहिए। अभी साहब ने कहा जल्दी चेन बंद करो, चेन बंद करो, चलो एक रक्षा किराए पर ले लो, एक रक्षा ले लिया। अरे अमीर साहब इतना पैसा आया है, वो तो कमबख्त बड़ा दुश्मन है, हमारा रात दिन का एंटी मुस्लिम है, उसका पैसा आया ले लो। अमीर साहब ने कहा नहीं, यही तो मौका है दीन समझाने का, अमानतदारी के जरिए से हम दीन समझाएंगे कि असल मुसलमान का काम क्या है। सुबह सुबह दरवाजा खोला, टोपी वालों को देखा, साफे वालों को देखा, तो वो गैर मुस्लिम समझा के मौत आई।
क्योंकि उसके दिल में मुसलमानों के लिए बड़ा डर था कि टोपी कुर्ता टीडीके टोपी दाढ़ी और कुर्ता ये समझते दहशतगर्दी की अलामत। हालांकि टोपी दाढ़ी और कुर्ता अमानतदारी और सलामती की अलामत। बर्तानिया के इमिग्रेशन के अंदर एक दाढ़ी वाला और टोपी वाला आया तो इमिग्रेशन वाले ने दूसरे ऑफिसर से कहा ये बड़ा अच्छे लोग होते हैं जिनकी दाढ़ी टोपी होती है, इसकी ज्यादा जांच मत करना, इसको जाने देना। और दूसरा कल्ले साथ वाला आया, एकदम चकाचक वाला आया, कहा इसकी खबर लेना, ये हो सकता है दहशतगर्द। तो दाढ़ी क्या है? दाढ़ी तो हुजूर की नहीं, अंबिया की सुन्नत है, बल्कि काफिरीन भी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते थे। अभी भी जो हिंदू बड़े महापुरुष हैं सबकी दाढ़ियां हैं, ऋषि मुनि जितने हैं वो सब भी दाढ़ी रखते हैं। बहुत घबरा गया, भाई तुम लोग क्या क्यों आए सुबह सुबह, मैंने क्या क्या हुआ है? बैग दिखाया, खुश हो गए। और वो ये बैग तुम्हारे पास कहां से आया? ये तो बहुत कीमती बैग है, इसके अंदर तो लाखों रुपया है, ये देने आए हैं। ये तुमको कहां से मिला? कहा आपकी बूट में से गाड़ी के अंदर से गिर गया था तो हम लोग देने आए हैं, जरा भी इसको काउंट कर लीजिए। अब उसने घर में बुलाया, घर में बुला के बैग खोली, देखा कि जैसी गड्डियां रखी हैं उसके अंदर चेंज भी नहीं आया, चेन बंद कर दी और इनाम देना चाहता। हम इनाम लेने नहीं आए, ये तो हमारा फरीजा है, मुसलमानों का ये फरीजा है अमानतदारी के साथ किसी की अमानत जो है वहां तक पहुंचाना, लुकता गिनी पड़ी चीज उसके मालिक तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अमीर साहब ने तकरीर की, समझाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि आज तक मेरे दिल में इस्लाम के लिए जो नफरतें भरी हुई थी, तुमने ये बैग लाकर जो दिया मुझे, तो मेरे दिल से इस्लाम की दुश्मनी निकल गई। देखो कितना बड़ा फायदा हो, किया कुछ भी नहीं था, जो काम करना है मोमिन को वो काम करने का नाम तबलीग है। उन्वान नहीं लगा रहे कि तबलीग कर रहे हैं, काम करना है असल में, और उसको उन्वान दे दिया जाए वो बात अलग है। एक फरीजा अंजाम देना है, ये फरीजा है हमारा जो हम अंजाम देंगे, हर मुसलमान को ये काम करना है। पड़ोस में बैठे हमारे हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक कान में बैठे किराए की, वो दिन जो है वो होली का दिन था, होली का दिन। तो वो जो गैर मुस्लिम बैठा पड़ोस में ड्राइवर के पास वो पीछे वाली सीट पर, तो उसने कहा कि मैं ग्लास के पास बैठा हूं मौली साहब, आप ग्लास के पास बैठ जाओ, मेरे को अंदर बिठाओ। क्यों? कहा कि वो होली वाला दिन है, जब मुझे देखेंगे तो मेरे ऊपर जो है पिचकारी रंग की डालेंगे, मेरे कपड़े वगैरह सब खराब हो जाएंगे, तो तुमको देखेंगे दाढ़ी कुर्ते वाला तो वो रंग नहीं डालेंगे तो मैं बच जाऊंगा। तो हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं बैठ जाता हूं कि खिड़की के पास। और देखो ये बात तुमको समझ में आई ना, तुम समझते हो कि मुसलमानों तो लोग खतरे में आ जाते हैं, वो तुमको आज खुद पता चला, तुमने खुद कहा कि तुम्हारी वजह से मैं बच जाऊंगा, अगर तुमने कलमा पढ़ लिया तो यहां भी बच जाओगे वहां भी बच जाओगे, अल्लाह ताला दोनों जहान में तुमको बचा देंगे। देखो कैसा काम किया, वक्त के ऊपर एक जुमला कह दिया, इसका नाम तबलीग है। तो हदीस में फरमाया मन रहा मिनको मन करण फलियो वही हो गई, यदि हाथ से हर रोकने की बुराई को ताकत है, गवैया गा रहा है नाच रहा है, ले लो इसके बैंड बाजे उठा के तोड़ तार के ठिकाने कर दो, मार खाने के लिए तैयार हो। दूसरा फ इल्लम यस्तती फबिल लिसानी,
हमारे मौलाना अंजर शाह कश्मीरी जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनका बयान रांदेर में था और वो तशरीफ ला रहे थे अलीपुर से और यहां पहुंचने में लेट हो रहे थे। बीच में उधना का ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है, तो जो बेचारा ड्राइवर था वो तेज तो चला रहा था लेकिन ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो उसने जो है स्लो कर दी गाड़ी। हजरत ने फरमाया तेज चलाओ, कहा हजरत ट्रैफिक है, कहा कोई बात नहीं तेज चलाओ हजरत कोई आ जाएगा गाड़ी में, कहा गाड़ी में आ जाएगा तो मर जाएगा उसको क्या करेंगे, लेकिन हजरत वो तो मर जाएगा लेकिन हमारी आप आने की, कहा तुम दूसरे किस काम के हो, तुम मार खा लेना लेकिन गाड़ी तेज चल। हमारे महाराज दर्शा साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह लतीफा वो थे, खाने के लिए बैठे तो दस्तरखान पे बातचीत हो रही थी तो इंग्लैंड के अंदर एक आदमी ने कहा हजरत आप तो जब भी देखो तो अपने अब्बा जान के वाकयात बयान करते, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, तो आप तो जब भी देखो तो तकरीर में अपने अब्बा जान के वाकयात बयान करते हैं, तो हंसते हुए फरमाया कि क्या तेरे अब्बा जान के वाकयात बयान करो, तेरे अब्बा को जानता कौन है, मेरे अब्बा को दुनिया जानती है और वो मुहद्दे से आजम थे तो उनकी बात बयान की जाएगी। अगर हाथ से रोकने पर काबिल नहीं है तो भाई जबान से तो बुरा कहो, गुटखे खा खा के मस्जिद में आ रहे हैं मस्जिद की दीवारों पर थूक रहा है तो उसको इतना तो कह सकते हैं ना कि भाई ये नाली बनाई हुई है इसके अंदर गुटखा को थूक दे और अच्छी तरह से कुल्ली कर और फिर अल्लाह के घर के अंदर है, ये कहने में क्या क्या बिगड़ जाता है, क्या कर लेगा, वो लड़ेगा ज्यादा से ज्यादा बोलेगा लेकिन एक अच्छी बात उसको पहुंच जाएगी प्यार से समझाने का। और फरमाया लेकिन बुराई से बहरहाल रोकना जरूरी है, मुनकरात से रोकना बहरहाल जरूरी है। तीसरा दर्जा ये बयान किया कि भाई कोई बुराई कर रहा है हमारे अंदर इतनी सकत भी नहीं है, आजकल वाकई हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है कि हम किसी को कुछ कह सकें। लोग कहते हैं जानी यानी हमारे पास ताल्लुक खराब था है, यहाँ से व्यापार करवानो छे यानी यहाँ से बेहवानो छे चा पीवानी छे कहवा जाओ ताल्लुक खराब था है, खाली खाली एक पूरे जहन्नम में जाए अने कबर में गोदा खाए अपन नहीं, हमारा भाई कबर में गोते क्यों खाए जहन्नम में क्यों जाए, इसको बचाने का काम हमारा है, हमको भी बचना है और उसको भी बचाना है, ये दर्द मंदी की बात है। दिल से कम बुरा समझना ये कमजोर तरीन ईमान है। मालूम हुआ कि भाई ये काम जो है ये तो हर मोमिन का काम है और हर वक्त का काम है और हर मुल्क का काम है, सब उलमा मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इसी किस्म का बयान दे रहे हैं। हमारे हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुमुल्लाह अलिया ने हुक्म फरमाया था कि जुमा के दिन जमात तबलीग की ताईद करें, जमात को तबलीग की ताईद की भी कोई जरूरत नहीं है लेकिन उन लोगों को बावर कराने, गुज़श्ता जुमा उनका था आज का जुमा हमारा है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीन की ये बात आपके सामने रखी है, इसको खूब चलाएं और शोर शराबा न करें, बहुत मुखालफत करने की जरूरत ही, काम में लगे रहें, काम से न हटें और ऐसी बातों से मुतासिर न हो, इम्प्रेस न हो, अपने काम के अंदर लगे रहना है, काम को नहीं छोड़ना है एतराज की वजह से, बस असल ये मिशन है और यही आज का मेरा पैगाम है। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين